मध्य प्रदेश का पहला ऐसा केंद्र जो दिव्यांग लोगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग व अन्य मशीनें निःशुल्क वितरण करेगा। इंदौर के MY हॉस्पिटल में बनाया जा रहा केंद्र हाईकोर्ट OSD रजिस्ट्रार नवीन पाराशर ने दी जानकारी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश के जबलपुर के निर्देश के मुताबिक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के तत्वाधान में श्री महावीर विकलांग सेवा समिति जयपुर और इंदौर के MY अस्पताल के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके अंतर्गत MY ने ट्रस्ट को करीब 3000 स्क्वायर फीट स्थान मुहैया कराया गया है, जिसमें प्रशासन के सहयोग के उक्त स्थान का नवीनीकरण कार्य कराया जा रहा है। MY अस्पताल में इस स्थान पर दिव्यांग लोगों के लिए निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान किए जाएंगे। इसको लेकर यहाँ स्थायी सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसके लिए 3 दिवसीय जागरूकता शिविर 20 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जिसमें जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क हाथ पैर के पंजे सहित अन्य कृत्रिम अंग निःशुल्क जरूरतमंद लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे। होने वाले आयोजन में तमाम प्रशासनिक अधिकारी और न्यायालय में कई सम्मानित अधिवक्ता और न्यायिक आयोजन में मौजूद रहेंगे। इंदौर उच्च न्यायालय परिसर में जानकारी देते हुए OSD रजिस्ट्रार श्री नवीन पाराशर ने बताया कि आयोजन को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। वहीं उन्होंने आमजन से अपील की है कि यदि किसी भी दिव्यांग का कृत्रिम अंग ट्राईसाइकिल व्हीलचेयर ईयर मशीन आदि की आवश्यकता है तो वे तुरंत MY अस्पताल में संपर्क करें ताकि जरूरतमंद इंसान को मदद मिल सके। इंदौर से जय सिमरिया की रिपोर्ट। सर बताइए, क्या उपक्रम आप शुरू करने जा रहे हैं, किस प्रकार का रहेगा और किस तरह से लोगों को उसका फायदा मिलने वाला है? जैसा कि आपको विदित है कि अभी माननीय उच्च न्यायालय के तत्वावधान में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के तत्वावधान में श्री महावीर विकलांग समिति श्री महावीर विकलांग सहायता समिति जयपुर फुट के नाम से जो विख्यात है उनके और MY हॉस्पिटल के मध्य एक MOU हुआ है, जिसके तहत MY हॉस्पिटल द्वारा भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति को अपने परिसर में लगभग 3000 स्क्वायर फीट एक स्थान उपलब्ध कराया गया है और उस कार्य का प्रशासन की तरफ से मदद लेते हुए PWD के माध्यम से उन्होंने रिनोवेशन कराया है। इसके माध्यम से जो भी दिव्यांगजन होते हैं यहाँ पर उनके लिए एक स्थायी सेंटर स्थापित होगा और उस सेंटर के माध्यम से जो कृत्रिम अंग हाथ या पैर होते हैं वो ऐसे लोगों को उपलब्ध कराए जाएंगे जिनके पास किसी ना किसी कारणवश उस चीज़ की कमी रही है। साथ ही ये संस्था लोगों को निशुल्क कृत्रिम अंग के साथ साथ व्हीलचेयर ट्राईसाइकिल बैसाखी और सुनने की मशीन भी उपलब्ध कराएंगे। ये एक MY हॉस्पिटल और जयपुर फुट के मध्य जो सहयोग हुआ है उस पुनित कार्य में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट का भी एक हाईकोर्ट के तत्वाधान में आयोजित हो रहा है, तो इसको एक हाईकोर्ट की दृष्टि से देखा जाए तो एक सौभाग्य की बात है कि उन लोगों के लिए जो किसी न किसी कारण से अपने अंग खो चुके हैं उनके एक सामान्य जीवन जीने के लिए उनका सहयोग प्रदान करें। इस उपलक्ष्य में जो 3 दिवस का प्रथम वृद्ध शिविर आयोजित किया जा रहा है 20 तारीख से और उसके बाद यहाँ एक स्थायी सेंटर की स्थापना हो जाएगी जहाँ किसी भी समय जो भी उनके कार्य के समय होंगे वहाँ कोई भी व्यक्ति जाकर इन उपकरणों को निःशुल्क प्राप्त कर सकता है और जिन लोगों को कृत्रिम अंग की आवश्यकता होगी उनको भी कृत्रिम अंग निःशुल्क उपलब्ध कराए जाएंगे। इस आयोजन के लिए जो प्रथम 3 दिवस का शिविर आयोजित किया जा रहा है उसमें ये मंशा है कि आसपास के अंचल में जो भी इनकी आवश्यकता है जिन लोगों को आवश्यकता है वो अधिक से अधिक आएँ और वहाँ पर इस चीज़ का लाभ प्राप्त करें। और इस शिविर का आयोजन का जो शुभारम्भ होगा वो माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के करकमलों से होगा, साथ ही उसमें शिरकत करेंगे माननीय साल से राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के जो चेयरमैन साहब हैं न्यायाधिपति श्री सुजय पॉल सर, मुख्य न्यायाधिपति श्री रवि मालीमत सर। इसको थोड़ा डिलीट कर